नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम कला संस्कृति, राजस्थान के कला संस्कृति नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे। कला संस्कृति के अंदर आज हम जो पहला टॉपिक लेने वाले हैं वो है राजस्थान की प्रमुख बोलियां। आज हम देखेंगे राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, कितनी प्रमुख भाषाएं हैं राजस्थान के अंदर, उन भाषाओं की कौन सी उपबोलियां हैं, कौन सी बोलियां हैं और कौन सी उन बोलियों की कौन कौन सी उपबोलियां हैं। किसने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था, कहाँ से राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ, पर इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को लाल बटन, वीडियो के नीचे दी हुई लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, जिससे कि हमें थोड़ा सा संबल प्राप्त होगा। वीडियोस को अगर पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत पहला टॉपिक है हमारा आज का, राजस्थान की प्रमुख बोलियां या भाषाएं। तो दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख बोली या भाषाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नल जेम्स स्टॉट के। कर्नल जेम्स स्टॉट, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान। 1829 ईस्वी में ये पुस्तक पब्लिश हुई थी। इनके मरणोपरांत इन्होंने 1825 में ये पुस्तक लिखी थी। इनके मरने के उपरांत इनकी पत्नी के द्वारा इंग्लैंड से ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था और ये सारे शब्द जो है क्षेत्र विशेष के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति हैं जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जो हैं, इनकी भी एक किताब थी, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये 1800 ईस्वी के अंदर इन्होंने किताब लिखी थी और ये 1805 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। ये भी इंग्लैंड के अंदर जाके पब्लिश हुई थी और ये पब्लिश कराने वाले व्यक्ति या इसको लिखने वाले व्यक्ति थे विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें जॉर्ज थॉमस की जो है स्मृतियों का कलेक्शन किया गया था और इन्होंने जो है राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इस किताब के अंदर इन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का पहली बार लिखित रूप में प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था, जबकि राजस्थान या रायथान या रजवाड़ा शब्द का पहली बार प्रयोग लिखित रूप से कर्नल जेम्स स्टॉट ने किया था। लेकिन हम भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषाओं के तौर पर बात करें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एक नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनकी एक किताब है द लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने भारत की भाषाओं के ऊपर एक सर्वे किया था और इनकी जो किताब पब्लिश हुई थी वो 1912 ईस्वी में हुई थी। इसमें राजस्थानी या राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था और ये भाषा के संदर्भ में प्रयोग हुआ था, यानी कि भाषा के संदर्भ में राजस्थान या राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था, राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में। कुछ और प्रमुख प्राचीन उपन्यासों की ग्रंथों की बात करें तो उद्धतन सूरी द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है कुबलय माला। कुबलय माला जो कि 778 ईस्वी के अंदर ही लिखा गया था, कुबलय माला। इस ग्रंथ के अंदर भारत में हूणों के आक्रमण का प्रभाव के बारे में वर्णन मिलता है। कुबलय माला के अंदर भारत में हूणों ने जो आक्रमण किया था और हूणों ने जो लूट मचाई थी भारत के अंदर, उसका प्रभाव मिलता है, उसका वर्णन मिलता है इस ग्रंथ के अंदर। इसके अलावा जो है 18 देशी भाषाओं का उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलता है। कुबलय माला के अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है और जिनमें से एक भाषा मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है, और मरु भाषा जो है ये मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम है। मारवाड़ी भाषा को ही प्राचीन समय में मरु भाषा के नाम से जानते थे और इस मरु भाषा का उल्लेख जो है कुबलय माला नाम के ग्रंथ में मिलता है, जिसके लेखक हैं उद्धतन सूरी।
इसके अलावा बात करें तो अब्दुल फजल के आईने अकबरी, कवि राजा श्यामल मल, कवि राजा सॉरी कवि कुशल लाभ, कवि कुशल लाभ का एक ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि, कवि कुशल लाभ का ग्रंथ पिंगल शिरोमणि और अब्दुल फजल का ग्रंथ आईने अकबरी। इन दोनों ग्रंथों में भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है, इन ग्रंथों में भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो शौरसेनी प्राकृत के गुजर अपभ्रंश से मानी जाती है। शौरसेनी प्राकृत के गुजर अपभ्रंश से हुई है ऐसा माना जाता है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। शुरुआत में वैदिक संस्कृत प्रचलन में थी, बहुत पहले की बात करें तो वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत को बाद में दो हिस्सों में बटे, वैदिक संस्कृत में से दो भाषाएं उत्पन्न हुई, एक पाली भाषा और एक शुद्ध संस्कृत भाषा, पाली भाषा और संस्कृत भाषा। फिर पाली भाषा को फिर तीन भाषाओं, पाली भाषा में से भी तीन भाषा उद्गत हुई, शौरसेनी प्राकृत, मागधश्री प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा महाराष्ट्री प्राकृत कहलाई, मगध में बोले जाने वाली भाषा मगधी प्राकृत कहलाई और शौरसेन क्षेत्र में यानी कि ब्रज क्षेत्र के अंदर भरतपुर मथुरा धौलपुर करौली, ये जो राजस्थान के जो क्षेत्र आते हैं भरतपुर धौलपुर मथुरा, ये शौरसेन जनपद के अंदर आते थे प्राचीन टाइम में, तो इस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा शौरसेन प्राकृत कहलाई, शौरसेनी प्राकृत कहलाई। इस शौरसेनी प्राकृत का अपभ्रंश हुआ, इस अपभ्रंश में से दो अपभ्रंश हुए, एक गुर्जरी अपभ्रंश और एक नागरी अपभ्रंश, और इस गुर्जरी अपभ्रंश में से हिंदी और राजस्थानी इन दोनों भाषाओं का उद्गम माना जाता है। यानी कि शौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश के हिंदी से जो है हिंदी और राजस्थानी इन दोनों भाषाओं का उद्गम माना जाता है। लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जिन्होंने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था, इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है शौरसेनी प्राकृत के नागरी अपभ्रंश से मानी है। शौरसेनी प्राकृत के नागरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण की बात करें तो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण दो प्रमुख विद्वानों के द्वारा किया गया है। पहले विद्वान हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है वर्गीकरण किया है राजस्थानी भाषा का, और इन्होंने राजस्थानी भाषा को पांच पार्टों में बांटा है, पश्चिमी राजस्थानी भाषा, दक्षिणी राजस्थानी भाषा, उत्तर पूर्वी राजस्थानी भाषा, मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी भाषा। इन पांच भाषाओं में इन्होंने इनका वर्गीकरण किया है अपनी किताब के अंदर द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। राजस्थान को राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यानी कि फर्स्ट वैज्ञानिक वर्गीकरण इन्होंने किया है। इसके बाद में एक दूसरे विद्वान हुए हैं डॉक्टर लुईजी पियो टेसी तोरी, डॉक्टर एल पी टेसी तोरी जो नाम के विद्वान हुए, इन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण केवल दो भाषाओं के तौर पे किया है कि दो भाषाओं में इन्होंने राजस्थान की भाषाओं का वर्गीकरण किया है, और वो हैं पूर्वी राजस्थान की भाषा और पश्चिमी राजस्थान की भाषा। मित्रों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा भाषाओं के तौर पर जब पढ़ते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है कि राजस्थान में दो तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। उन्होंने भी पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा नाम की दो भाषाएं मानी हैं, और इन भाषाओं की चार चार उपबोलियां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा मानी गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो चार चार बोली मानी गई हैं इस किताब की, वो मानी गई हैं, अगर पूर्वी राजस्थानी भाषा की बात करें तो पूर्वी राजस्थानी भाषा में चार प्रमुख बोली मानी गई हैं। वो चार प्रमुख बोली हैं ढूंढाणी बोली, हाड़ौती बोली, मेवाती बोली और अहिरवाड़ी बोली। ये चार बोली पूर्वी राजस्थानी भाषा के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मानी गई। दोबारा देखें, ढूंढाणी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाड़ी,
जबकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो प्रमुख चार बोलियां मानी गई हैं, पश्चिमी राजस्थान में भी प्रमुख चार बोलियां मानी गई हैं, वो चार बोलियां हैं मेवाड़ी बोली, सॉरी मारवाड़ी बोली, सबसे पहले मारवाड़ी बोली, फिर मेवाड़ी बोली, फिर शेखावाटी बोली और उसके बाद में बांगड़ी बोली। ये चार प्रमुख बोलियां सेपरेट बोली के तौर पर मानी गई हैं, ये चार प्रमुख बोली हैं। लेकिन ज़्यादातर कोचिंगों में और जो हम पढ़ते हैं वो मारवाड़ी बोली की उपबोली के तौर पर पढ़ते हैं, मेवाड़ी शेखावाटी और बांगड़ी को इनको मारवाड़ी बोली की उपबोली मानते हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन्हें बोली ही माना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आइए हम देखते हैं राजस्थानी भाषा के प्रमुख बोलियाँ। हम राजस्थानी भाषा के प्रमुख बोली मारवाड़ी बोली मानते हैं। मारवाड़ी बोली के अंतर्गत मेवाड़ी शेखावाटी बांगड़ी भीली थली खेराड़ी बीकानेरी बाड़मेरी जालौरी गोड़वाड़ी नागौरी बांगड़ी देवड़ावाटी डटकी आदि बोलियों को जो है मारवाड़ी बोली के अंदर शामिल करते हैं। ये सभी उपबोली मानी जाती है। दूसरी प्रमुख बोली है डूंडाणी बोली। डूंडाणी बोली के अंतर्गत हाड़ौती बोली, नागरचोट, काठेड़ी, राजबाड़ी, किशनबाड़ी, अजमेरी और तोराबाटी बोलियों को ये सब उपबोली मानी जाती हैं डूंडाणी बोली की। तीसरी बोली प्रमुख बोली है मालवी। मालवी की दो बोलियां हैं रांगड़ी और निमांडी। इसके अलावा अगली बोली है मेवाती, इसकी कोई उपबोली नहीं है। अहिरवाटी, इसकी भी कोई उपबोली नहीं है। ये राजस्थान के अंदर बोली जाने वाली कुल बोलियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले मारवाड़ी बोली की। मारवाड़ी बोली इसका शुद्ध क्षेत्र जो है जोधपुर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं। शुद्ध मारवाड़ी बोली जाने वाली बोली जो है जोधपुर या उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, ये मारवाड़ी बोली जो है। इसके अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अन्य क्षेत्र जो है नागौर, पाली, जालौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये इन क्षेत्रों में भी जो मारवाड़ी बोली बोली जाती है। इसके प्राचीनतम स्रोत की बात करें या प्राचीनतम नाम की प्राचीन नाम की बात करें तो मरु भाषा नाम मिलता है, जिसका उल्लेख जो है उल्लेख कुबलय माला नाम के ग्रंथों में मिलता है। कुबलय माला नाम के ग्रंथ में जो है मरु भाषा शब्द का उल्लेख मिलता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सौर सैनी प्राकृत के गुर्जरी उप अपभ्रंश से 8वीं सदी में इसकी उत्पत्ति होना बताया जाता है। 8वीं सदी के अंदर सौर सैनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस भाषा के अंदर लिखे हुए साहित्यों को डिंगल साहित्य कहा जाता है। मारवाड़ी भाषा में लिखे गए साहित्यों को डिंगल साहित्य कहा जाता है और अधिकांशतः जैन साहित्य व मीराबाई के पद इसी भाषा में लिखे गए। अधिकांशतः जैन साहित्य और मीराबाई के पद जो है मारवाड़ी भाषा में ही लिखे गए, मारवाड़ी के अंदर ही लिखे गए, जिन्हें के डिंगल साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मारवाड़ी बोली की विशेषताओं की अन्य विशेषताओं की बात करें तो यह कर्णप्रिय है और मधुर बोली है। कर्णप्रिय और मधुर बोली है, आओ शाह जाओ शाह इज्जत से बोली जाती बोली जाने वाली बोली। राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली है। राजस्थान के सबसे बड़े इलाके में बोली जाती है ये बोली और पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है, राजस्थान के सबसे बड़े इलाके में बोली जाने वाली बोली है मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली के कुछ उपबोलियों के विषय में देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं खेराड़ी की। खेराड़ी जो है यह तीन बोलियों का मिश्रण है। तीन बोली कौन कौन सी हैं? मेवाड़ी, डूंडाणी और हाड़ौती। इन तीन बोलियों का मिश्रण है खेराड़ी बोली जो है। ये इसका मुख्य केंद्र शाहपुरा है। शाहपुरा भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा वाला शाहपुरा, भीलवाड़ा के शाहपुरा में और बूंदी जिले में बोली जाती है ये बोली जो है। खेराड़ी बोली जो है मुख्यतः शाहपुरा भीलवाड़ा में और बूंदी के अंदर बोली जाने वाली बोली है और मीणाओं की प्रिय बोली है। ये मीणा जनजाति की प्रिय बोली है खेराड़ी बोली। इसके अलावा दूसरी बोली की बात करते हैं बागड़ी बोली। बागड़ी बोली जो है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों में बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली है, बांगड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। इस बोली की एक उपबोली भी है, उसे भीली कहते हैं। भील जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली भीली। बांगड़ी बोली की उपबोली है भीली बोली।
बंगड़ी बोली खुद मारवाड़ी बोली की उपबोली है, और इस बोली की भी उपबोली है भीली बोली। भील जनजाति के द्वारा सबसे प्रिय बोली है, भील जनजाति की प्रिय बोली है ये भी बंगड़ी जो बोली जो है। इसके बाद में मेवाड़ी बोली की बात करते हैं, तो मेवाड़ी बोली का शुद्ध रूप देखने के लिए मेवाड़ के गाँव में शुद्ध रूप देखने को मिलता है, और ये मेवाड़ क्षेत्र में काफी प्रमुखता से बोली जाती है मेवाड़ी बोली। इसका जो प्रमुख विस्तार है मेवाड़ी बोली का, वो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद जिलों में है। इन चार जिलों के अंदर मेवाड़ी बोली बोली जाती है, और मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने, सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, यानी कि मारवाड़ बोली के, मारवाड़ी बोली के बाद में सर्वाधिक बोली जो बोली जाती है वो मेवाड़ी बोली बोली जाती है। इसके अलावा शेखावटी बोली की बात करते हैं, तो शेखावटी बोली राजस्थान के तीन क्षेत्रों में बोली जाती है, सूकर, सीकर, चूरू और झुंझुनू, यही शेखावाटी क्षेत्र आता है। शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली शेखावाटी बोली। देववाड़ी बोली की बात करें तो यह सिरोही के देवरा राजपूतों की द्वारा बोली जाने वाली बोली है देववाड़ी। देववाड़ी सिरोही के देवरा राजपूतों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है देवरा बोली, देववाड़ी जो है। थली बोली की बात करते हैं, थली, थली कहते हैं रेतीले टीलों को, रेतीले टीलों को या थली कहा जाता है, और तो बीकानेर के रेतीले क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली थली कहलाती है। इसके अलावा गोड़वाड़ी बोली की बात करते हैं, तो गोड़वाड़ी बोली जो है, गोड़वाड़ी बोली का प्रमुख केंद्र बाली है, बाली जो कि पाली जिले के अंदर है, बाली और जालौर के अंदर बोली जाने वाली बोली गोड़वाड़ी है। गोड़वाड़ी क्षेत्र वो है जो कि लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र है, ये गोड़बान क्षेत्र, गोड़बांड क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली जो है गोड़वाड़ी बोली कहलाती है। ये सारी बोलियां मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ढूंढाणी बोली की। ढूंढाणी बोली जयपुर, दौसा, टोंक, उनियारा, ये भी टोंक के अंदर है, उनियारा टोंक और नावा टोंक, किशनगढ़, जो कि अजमेर क्षेत्र के अंदर है, किशनगढ़ अजमेर, इस क्षेत्र में बोली जाती है ढूंढाणी बोली। ढूंढाणी बोली यानी कि जयपुर या उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो दौसा टोंक, उनियारा, दौसा टोंक, टोंक का उनियारा, टोंक का नावा भी है, इसमें नावा तहसील भी है। इसके अलावा किशनगढ़ तहसील अजमेर जिले की है, जहां पर के मुख्यतः ढूंढाणी बोली बोली जाती है। इसके प्राचीनतम प्रमाण की बात करें तो इस बोली का सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो है 18वीं सदी में 8-10 गुर्जरी, 8-10 गुर्जरी नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है। 18वीं सदी का एक ग्रंथ है 8-10 गुर्जरी, इस ग्रंथ से जो है इस भाषा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है ढूंढाणी बोली का। साहित्यिक रूप की बात करें तो इसके साहित्यिक रूप को पिंगल कहते हैं, पिंगल कहते हैं साहित्यिक रूप को। मारवाड़ी भाषा के अंदर लिखे जाने वाले साहित्य को डिंगल कहते थे, डिंगल, जबकि ढूंढाणी भाषा के अंदर लिखे जाने वाले साहित्य को ढूंढाणी, या कहें कि पूर्वी राजस्थान की जितनी भी भाषाएं, उन सारी भाषाओं के अंदर लिखे जाने वाले साहित्यिक ग्रंथों को जो है पिंगल कहते थे। इसके अलावा ब्रज भाषा के अंदर लिखे गए ग्रंथ भी पिंगल कहलाते हैं। संत दादू दयाल ने अपने उपदेश इसी बोली में दिए थे, संत दादू दयाल के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो उपदेश जो है ढूंढाणी बोली के अंदर भी दिए गए थे। ढूंढाणी बोली के कुछ प्रमुख उपबोलियों की बात करें तो एक बोली है तोराबाटी, ये तोराबाटी क्षेत्र में बोली जाती है, और तोराबाटी क्षेत्र कहाँ है, ये कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोराबाटी प्रदेश कहलाते हैं। कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे तोराबाटी प्रदेश कहते हैं, और ये जो है सीकर, झुंझुनू और कुछ इलाका जयपुर का भी आता है यहाँ पर, ये तोराबाटी क्षेत्र है, और इस तोरावट, इसी क्षेत्र की बोली को तोरावटी बोली कहा जाता है। इसके अलावा 84 बोली की बात करते हैं, तो 84 बोली शाहपुरा तहसील के अंदर बोली जाती है, शाहपुरा उपखंड के अंदर, जो कि जयपुर जिले में आती है, शाहपुरा उपखंड, जयपुर जिले का शाहपुरा जो है इसके अंदर बोली जाती है 84 बोली। शाहपुरा भीलवाड़ा वाला अलग है, ये शाहपुरा जयपुर का है। एक नागर पोल की बात करते हैं, तो नागर थोल जो है, नागर पोल जो है, ये टोंक और सवाईमाधोपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है नागरपोल, नागर चोल, सॉरी, नागर चोल जो है टोंक और सवाईमाधोपुर के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। हाड़ौती बोली की बात करें तो हाड़ौती बोली जो है कोटा
कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र जो पूरा हाड़ौती क्षेत्र जो कहलाता है, वहां पे बोली जाने वाली भाषा को जो है हाड़ौती भाषा कहते हैं। और इस भाषा का अर्थ, हाड़ौती शब्द का जो शब्द प्रथम सर्वप्रथम अर्थ जो सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है, हाड़ौती भाषा का जो शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है, वो 1875 में मिस्टर कैलोंग ने अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर के अंदर किया। इन्होंने एक किताब लिखी है हिंदी ग्रामर नाम की, मिस्टर कैलोंग ने 1875 ईस्वी के अंदर, जिसमें इन्होंने हाड़ौती भाषा के हाड़ौती शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। हाड़ौती भाषा के अर्थ में जो सर्वप्रथम प्रयोग में लाए हैं, प्रयोग लेने वाले व्यक्ति हैं, वो मिस्टर कैलोंग। इसके अलावा बात करें तो हाड़ौती भाषा जो है, सूर्यमल कवि जो हुए हाड़ौती में, एक कवि हुए, बहुत प्रमुख कवि हुए सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने भी अपनी इस बोली को अपनी कविताओं में प्रयोग किया है, या अपनी भाषा के अंदर जो है प्रयोग किया है, इस बोली का ही प्रयोग किया है कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। इसके अलावा अगली बोली की बात करते हैं, वो अगली बोली है मालवी बोली। मालवी बोली जो है ये मालवों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है, यानी कि मालवा क्षेत्र, मालव क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली बोली है, मुख्यतः मध्य प्रदेश के अंदर बोली जाने वाली बोली है मालव जो। और इसके अलावा राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मालव राजपूतों के द्वारा बोली जाने वाली बोली ये है। यह एक मधुर और कर्णप्रिय बोली है। मालवी बोली जो है मधुर बोली है, कर्णप्रिय बोली है। इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली भी कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली भी कहा जाता है इसको। और ये मुख्यतया राजस्थान के जो है कोटा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ नाम के क्षेत्रों में बोली जाती है, और शेष अधिकतर बोली जो है मालव के पठार पर, यानी कि मध्य प्रदेश में बोली जाती है। इसके अलावा अगली बोली की बात करते हैं, वो है रांगड़ी बोली। रांगड़ी बोली जो है ये कर्कश और खड़ी बोली है। रांगड़ी बोली कर्कश और खड़ी बोली है। इस पर मारवाड़ी बोली का प्रभाव ज्यादा है, और ये मारवाड़ी बोली के प्रभाव से ग्रसित है ये बोली। रांगड़ी बोली खड़ी बोली है, कर्कश बोली है, कानों को अच्छा न लगने वाली बोली है। इसके अलावा अगली बात करते हैं निमाणी। निमाणी जो है ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है। दक्षिणी राजस्थान की बोली को जो है निमाणी बोली कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान के कुछ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को निमाणी बोली कहते हैं। इसके अलावा अगली बोली की बात करते हैं मेवाती बोली। मेवाती बोली मुख्यतः मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, और मेवात क्षेत्र कहाँ पर है? मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर दो जिलों के अंदर फैला हुआ है। अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को मेवाती भाषा कहते हैं, बोली जाने वाली बोली को मेवाती बोली कहते हैं। इस बोली के उद्गम और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से बात करें, यानी कि मेवाती बोली का उद्गम और उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें, तो यह राजस्थान की भाषा, यह राजस्थानी भाषा और पश्चिमी हिंदी के मध्य जो है सेतु का काम करती है। यानी कि राजस्थानी भाषा, जिसे राजस्थानी भाषा कहते हैं, राजस्थानी भाषा और पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली हिंदी, इन दोनों के मध्य सेतु का काम करती है मेवाती भाषा। मेवाती भाषा पे जो है ब्रज भाषा का स्पष्टतया प्रभाव देखा जाता है। ब्रज भाषा का स्पष्टतया प्रभाव है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के नजदीक ये बोली बोली जाती है। इस बोली का जो प्रयोग किया है, मेवाती बोली का प्रयोग करने वाले संत चरणदास जी और संत लालदास जी हैं। संत चरणदास जी और संत लालदास जी जो कि इस क्षेत्र के संत थे, इनके द्वारा जो है अपने संप्रदाय के साहित्यों में इसी बोली का प्रयोग किया गया है, मेवाती बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने साहित्यों के, अपने ग्रंथों के अंदर संत चरणदास के द्वारा और संत लालदास के द्वारा अपने ग्रंथों के अंदर जो है मेवाती बोली का प्रयोग किया है। संत चरणदास की बात करें तो संत चरणदास की दो शिष्याएं हुई थी। पहली शिष्या का नाम था सहजोबाई और दूसरी शिष्या थी दयाबाई। ये दो शिष्याएं थी इनकी। इन शिष्याओं ने भी दो दो ग्रंथों की रचना करी थी, और उन ग्रंथों के अंदर भी मेवाती बोली बोली देखी जाती है। सहजोबाई द्वारा लिखा गया था सहज प्रकाश और सोलह तिथि और सहज प्रकाश सहजोबाई के द्वारा लिखे गए थे, जबकि दयाबाई के द्वारा दयाबोध और विनय मलिका नाम के ये दो ग्रंथ लिखे गए थे। ये जो है दयाबाई के द्वारा लिखे गए थे और
सहजोबाई, इन दोनों ने भी मेवाती भाषा का ही प्रयोग किया था। इसके बाद में हम अगली बोली की बात करते हैं और वो बोली है अहीरवाटी बोली। इस अहीरवाटी बोली को राठी बोटी भी बोली भी कहा जाता है, अभीर बोली भी कहा जाता है और हीरवाल बोली भी कहा जाता है। इतने सारे नाम हैं अहीरवाटी बोली के। इसे राठी बोली भी कहा जाता है, अहीरवाटी बोली को ही राठी बोली कहा जाता है, अहीरवाटी बोली को ही अभीर बोली कहा जाता है और हीरवाल बोली कहा जाता है। अहीरवाटी बोली को राठी बोली इसलिए कहते हैं कि ये राठी नाम के क्षेत्र में, राठी क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली बोली है, इसलिए इसे राठी क्षेत्र कहते हैं। अभीर बोली इसे कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अभीर जाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है। राठी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति अभीर जाति के हैं और अभीर जाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली अभीर बोली कहली जाती है और हीरवाल बोली भी इसको कहते हैं। राठी क्षेत्र जो है ये मुख्यतः हरियाणा के अंदर है, लेकिन राजस्थान के अलवर और जयपुर का भी इसमें कुछ क्षेत्र आता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अलवर के मंडावर और बहरौड़ दो तहसीलें, मंडावर और बहरौड़ दो तहसील, जबकि जयपुर की कोटपुतली तहसील, इन तीनों तहसीलों के अंदर, मंडावर, बहरौड़ और कोटपुतली, इन तीनों तहसीलों के अंदर ये बोली बोली जाती है, अहिरवाटी बोली। अहिरवाटी बोली के बारे में कहा जाता है ये बोली जो है हरियाणा की बंगरू बोली, हरियाणा में बंगरू बोली बोली जाती है, तथा राजस्थान की मेवाती बोली जो भरतपुर अलवर के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मेवाती बोली है, इन दोनों के मध्य में बोली जाती है। यानी कि मेवाती बोली और हरियाणा की बंगरू बोली के मध्य बोली जाने वाली बोली जो है वो अभीर बोली है। ये राठी क्षेत्र में बोली जाती है और अभीर जाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसे अभीर बोली कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी राजस्थान की कुछ प्रमुख बोलियां। जितने भी बोलियों में से क्वेश्चन आते हैं अक्सर करके यही क्वेश्चन आते हैं कि ये बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है या ये बोली किस बोली की उपबोली है, यही तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप इसको 1 से 2-3 बार अवश्य पढ़ें, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ऐसी कोई खास चीज नहीं है इसके अंदर। चलो, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।